जब सती माँ जिद करने लगी तो भोले बाबा ने नंदी से कहा कि नंदी आप सती को लेकर के तक भवन तक छोड़ करके आओ। तो नंदी सती माँ के साथ तक भवन तक आया और दरवाजे पर सती ने अपनी माँ को देखा, सादर भवन मिली एक माता। माँ ने आज अपनी पुत्री सती को देखा, देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन अपने पति दक्ष प्रजापति के भय से आज माँ ने अपना मुंह फेर लिया। दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री को देखा, अपनी पुत्री को देख करके मुख फेर लिया। 15 बहनें आज सती माँ के पास आईं और आकर के हंसने लगी कि बहन आपने बहुत अच्छा किया, अरे पिताजी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया और आप बिना निमंत्रण के आ गई, आपने बहुत अच्छा किया। सभी देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे, लेकिन जहां पर भोले बाबा बैठते हैं उस स्थान पर मलमूत्र पड़े हुए थे। सती माँ से अपने पति भोले बाबा का अपमान सहन नहीं हुआ। अब सती माँ कहने लगी कि मैं वापिस जाऊं तो कैसे जाऊं, एक बार गलती मैं पहले कर चुकी हूं। जब भगवान राम सीता माँ की खोज में वन वन में भटक रहे थे तो भोले बाबा सती माँ को लेकर के भगवान के दर्शन करने के लिए आए। सती माँ कहने लगी ये कैसे परमात्मा जो नारी के लिए वन वन में भटक रहे हैं और मुझे इनकी परीक्षा करनी चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि ये अपनी लीला कर रहे हैं, लेकिन सती माँ नहीं मानी और सीता माँ का रूप लेकर के भगवान राम के सामने खड़ी हो गई। जब भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखा तो भगवान राम कहने लगे अरे देवी आप मेरे प्रभु भोलेनाथ को कहाँ पर छोड़ के आई। जब सती ने देखा कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, अब दबे पांव सती भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा ने पूछा कि सती आप मेरे प्रभु की परीक्षा करके वापस आ गई। सती ने कहा कि मैंने प्रभु राम की कोई परीक्षा नहीं ली। जब भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा तो सती ने सीता माँ का रूप धारण किया था। तो भोले बाबा कहने लगे तुमने मेरी माँ का रूप धारण किया, अब तुम कभी भी मेरी बगल में नहीं बैठ सकती हो। और दूसरी गलती यहाँ पर की कि मेरे पति भोले बाबा ने मुझे बार बार मना किया और मैंने अपने पति की बात को नहीं सुना, अब वापिस जाऊं तो कैसे जाऊं। सामने हवन कुंड जला हुआ है और सती माँ हवन कुंड के पास पहुंची, हवन कुंड में छलांग लगा दी, अपने देह को त्याग दिया। जब नंदी के द्वारा भोले बाबा को पता चला तो भोले बाबा को बड़ा भारी क्रोध आया और अपनी जटा का एक बाल छला पर पटका और वहीं पर वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न हो गया। और भोले बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता भोलेनाथ आपको आज्ञा देता हूं कि तुम अपनी नाना की यज्ञशाला को विध्वंस कर दो। जब वीरभद्र को आज्ञा मिली तो दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में पहुंचे और जाकर के यज्ञशाला को विध्वंस करने लगे। जो भी संत ब्राह्मण रोकने के लिए आए सभी को अंग भंग कर दिए। जब दक्ष प्रजापति को पता चला तो दक्ष प्रजापति वीरभद्र को रोकने के लिए आया और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा, धड़ाक से सर अलग कर दिया और सर को लेकर के हवन कुंड में डाल दिया और सर जल करके भस्मीभूत हो। देवता कहने लगे कि भोलेनाथ ऐसे देवता हैं, खड़म रुष्टा खड़म तुष्टा, खड़ में रूठ भी जाते हैं और खड़ में प्रसन्न भी हो जाते हैं। जैसे देवता भोले बाबा हैं ऐसा देवता कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब भोले बाबा पर कोई एक लोटा जल चढ़ाए तो प्रसन्न, दूध चढ़ाए तो भी प्रसन्न, धतूरा चढ़ाए तो भी प्रसन्न, भांग चढ़ाए तो भी प्रसन्न। और भोले बाबा का मंदिर जहां भी मिलेगा ना बिल्कुल एकांत में मिलता है। और कई बार तो भोले बाबा के मंदिर में किवाड़ भी नहीं होती, बोलना पड़ेगा राधे राधे, क्योंकि भोले बाबा खड़म रुष्टा खड़म त्रष्टा, खड़ में रूठ भी जाते हैं और खड़ में प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो सभी देवता भोले बाबा के पास आए और बार बार क्षमा मांगने लगे तो भोले बाबा ने कहा वीरभद्र आप इन सभी देवताओं को क्षमा कर दो और जिनके अंग भंग हुए हैं इनको सबको ठीक कर दो। तो
तो सभी के अंग भंग जो हुए थे सबको ठीक किया। और उसके बाद में दक्ष प्रजापति को देखा, वीरभद्र से पूछा तो वीरभद्र ने कहा कि मैंने दक्ष प्रजापति के सर को हवन कुंड में डाल दिया। अब देवता कहने लगे जब तक दक्ष प्रजापति जीवित नहीं होगा तब तक यज्ञ पूर्ण कैसे हो सकता है। तो देवताओं ने विचार किया क्यों ना इनको किसी और का मुख लगा दें। भृगु जी ने कहा कि आप इनको मुख लगाना ही चाहते हो तो हाथी का मुख लगा दो। पास में ही गणेश जी महाराज खड़े हुए थे। गणेश जी ने कहा कि ऐसी गलती मत करना, यदि आपने इनको हाथी का मुख लगा दिया तो पता नहीं चलेगा कि नाना कौन सा है और देवता कौन सा है। अरे आपको मुख लगाना है तो किसी और का मुख लगाओ। इंद्र ने कहा कि आप इनको मुख लगाना चाहते हो तो शेर का मुख लगा दो। देवताओं ने कहा कहीं पागल तो नहीं हो गए, अरे ये पहले से बहुत खूंखार है, किसी की नहीं सुनता, और शेर का मुख लग गया तो और भी खूंखार हो जाएगा। तो वही तीनों देवता ने विचार किया और बकरे का मुख दक्ष प्रजापति को लगाया। जब दक्ष प्रजापति जीवित हुआ और अपने मुख से बोलना चाहता है तो दक्ष प्रजापति के मुख से बम शब्द निकला और उसी बम शब्द से भोले बाबा प्रसन्न हो गए। जब भी शिवरात्रि आती है भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं तो अपने मुख से बार बार बम बम बोलते हैं कि भोले बाबा हमारे इन शब्दों से हम पर प्रसन्न हो जाए, बोलना पड़ेगा राधे राधे। और देवताओं ने यज्ञ को पूर्ण कराया। उससे आगे इनके दो भाई हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसके पैर ऊपर हो और सर नीचे हो। अब तुम में से कोई ऐसा कोई भक्त बैठा हुआ है जिसके सर नीचे और पैर ऊपर हो, हाथ ऊपर करना एक बार, बोलना पड़ेगा। देखिए जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे ना तो हमारे पैर ऊपर थे और सर नीचे था। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब उत्तानपाद हैं। और उत्तानपाद की दो पत्नियां होती हैं, हमारी भी दो पत्नियां हैं, अच्छाई और बुराई। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। ऐसे ही उत्तानपाद जिनकी दो पत्नी, बड़ी पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति कहते हैं अच्छाई के लिए और सुरुचि कहते हैं बुराई के लिए। लेकिन हर जीव अच्छाई को छोड़ करके बुराई के पीछे चलना आरंभ कर देता है। अभी कोई तुम्हारे दरवाजे पर आए और आप उसको एक गिलास दूध ला करके दो तो केवल एक ही बात कहता है कि भाई मेरा पेट खराब है, मैं दूध नहीं पीता हूं। और आप उसको एक गिलास शराब का भर करके दो, बोलना पड़ेगा झट से कटक जाएगा, बोलना पड़ेगा। क्योंकि अच्छाई को छोड़ करके बुराई की तरफ हर जीव भागना चाहता है। ऐसे ही उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को त्यागा, सुरुचि के साथ निवास करता है। अब सुनीति वन में कुटिया बना करके निवास करती है और कुछ समय के बाद सुनीति ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया जिस बालक का नाम ध्रुव हुआ है। महलों में रहने वाली सुरुचि, उसने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया जिस बालक का नाम हुआ उत्तम। दोनों बालक बड़े हुए। जब ध्रुव जी की अवस्था 5 वर्ष की अवस्था हुई तो ध्रुव अपनी माँ सुनीति से कहने लगे कि माँ आपने कभी मुझे ये नहीं बताया कि मेरे पिता कौन है। सुनीति कहने लगी बेटा जो यहाँ के राजा उत्तानपाद है ना वो तुम्हारे पिता है। तो ध्रुव के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे अपने पिता की गोद में बैठना चाहिए। अब ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए महलों की तरफ दौड़ पड़े। जब द्वारपालों ने पहला ध्रुव जी को आते हुए देखा तो सामने से हट गए। और जब सामने से हटे तो ध्रुव जी महाराज अंदर महलों में पहुंचे और अंदर जाकर के उत्तानपाद ने अपने बड़े पुत्र ध्रुव को आते हुए देखा तो अपने छोटे पुत्र को नीचे उतारा और अपने बड़े पुत्र ध्रुव को अपनी गोद में उठाना चाहते हैं। और उसी समय सुरुचि आ गई और सुरुचि ने ध्रुव से कहने लगी ध्रुव मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम जो यहाँ पर आए हो ना आज तुम अपने पिता की गोद में बैठोगे और कल कहोगे पिताजी मुझे आधा राज दे दो। और आपको अपने पिता की गोद में बैठना है, आधा राज आपको चाहिए ना, तो पहले आप वन में जाओ और वन में जाकर के भगवान की तपस्या करो और भगवान तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए
तो भगवान से केवल एक वरदान मांगना कि मुझे सुरची माँ के गर्भ से जन्म मिले। आज सुरची ने अपने आप को भगवान से बड़ा बता दिया। अब रोता हुआ ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास आया और कहा, माँ मैं अपने पिता से मिलने के लिए गया था, लेकिन बीच में छोटी माँ आई और छोटी माँ ने कहा कि तुम पहले वन में जाओ, भगवान को प्राप्त करो। क्या वन में जाने से भगवान की प्राप्ति होती है? सुनीति ने कहा कि हाँ बेटा, वन में जाने से भगवान की प्राप्ति होती है। अर्धरात्रि का समय हुआ। आज ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को सोता हुआ छोड़कर के जंगल की ओर चले गए और जंगल में जाकर के देख रहे हैं कि भगवान कहाँ पर मिलेंगे। इधर बैकुंठ में बैठे हुए नारायण भगवान ने देखा कि इस बालक को बड़ा दृढ़ विश्वास है और ये बालक मुझे प्राप्त करना चाहता है। यदि इस बालक ने बिना गुरु के मुझे प्राप्त कर लिया तो संसार में गुरु की महिमा कम हो जाएगी। गुरु बिन भव तरह ना कोई, जो बिरजय शंकर सम होई। बिना गुरु के कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो वहीं पर भगवान ने नारद जी को बुलाया और नारद जी से कहा कि नारद तुम जाकर के ध्रुव के गुरु बन जाओ। अब नारद जी कहने लगे कि ये बालक मेरे शिष्य बनने लायक है कि नहीं, इसकी मुझे परीक्षा करनी चाहिए। तो नारद जी ध्रुव के पास आए और कहा, अरे बेटा, आप इस अर्धरात्रि के समय इस घनघोर जंगल में क्या करने के लिए आए हो? अरे आप नहीं जानते कि इस वन में हिंसक पशु रहते हैं और वो तुम्हारा वध कर देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि बाबा, मैं तो यहाँ पर भगवान को ढूंढने के लिए आया हूँ, भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद जी ने कहा कि वन में आने से कभी भगवान नहीं मिलते। यदि वन में आने से भगवान मिलते ना, तो शेर का जन्म वन में होता है और उस शेर को कभी भगवान नहीं मिले। जो गीदड़ होता है उसका जन्म भी वन में होता है, लेकिन उस गीदड़ को भी कभी भगवान नहीं मिले। हजारों संतों को दिखाया, कोई एक पैर पर खड़ा हुआ है, कोई उल्टा लटका हुआ है, कोई जल में खड़ा हुआ है। नारद जी ने कहा कि हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मेरी छोटी माँ ने मुझसे कहा था कि वन में जाने से भगवान मिलते हैं और आप कह रहे हो कि वन में आने से भगवान नहीं मिलते। तो वहीं पर नारद जी ने कहा कि जब तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो तुम्हें यहाँ पर भोजन कौन कराएगा? ध्रुव जी ने कहा कि इस बात की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं कि जब बालक का जन्म होता है तो बालक के मुख में दांत नहीं होते और भगवान उसकी भोजन की व्यवस्था पहले से कर देता है। माँ के आंचलों में दूध पहले से आ जाता है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कछु और हो देगो। कि जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध ले है कमे बिना लेगो। जब बालक के मुख में दांत नहीं होते तो भगवान उसकी भोजन व्यवस्था पहले से कर देते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि अब मेरे मुख में दांत आ गए तो भोजन की व्यवस्था भी मेरे प्रभु करेंगे। तो आज नारद जी ने ध्रुव जी को द्वादश अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र का बड़ा अच्छा अर्थ भी है। एक गुरु जिनके शिष्य का नाम हुआ ओम, और गुरु अपने शिष्य ओम को लेकर के गांव से बाहर निकले तो सामने गन्ने के खेत को देखा तो शिष्य के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे यदि गुरु जी थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाएं तो मैं गन्ना तोड़ करके चूसूं, गन्ना कितना मीठा है। गुरुदेव ने देखा कि शिष्य ओम के मन में गन्ना चूसने की इच्छा है, तो गुरुदेव ने कहा, अरे बेटा ओम, मुझे इसी स्थान पर बैठ करके संध्या वंदन करनी चाहिए। तो गुरुदेव खेत की मेड़ पर ही संध्या वंदन करने के लिए बैठ गए। अब शिष्य ओम गन्ने के खेत में घुस गया और एक मोटा सा गन्ना देखा, धड़ाक से तोड़ा और चूसना आरम्भ कर दिया है। और जैसे ही गन्ना चूसना आरंभ किया और जो खेत का मालिक है, जो किसान है, वो अपने खेत में एक मोटा बांस का डंडा लेकर के बैठा है कि आज जो भी मेरे खेत से गन्ना तोड़ेगा, ये मोटा बांस का डंडा उसके सर पर मार दूंगा। जैसे गन्ना टूटने की आवाज आई, किसान अपने हाथ में बांस को लेकर के खड़ा हो गया।
अब गुरुजी ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं, यहाँ से शिष्य ओम भी दिखाई पड़ रहा है और खेत का जो मालिक है वो भी दिखाई पड़ रहा है। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा ओम, लेकिन ओम गन्ना चूसने में लगा हुआ है। गुरुजी ने दोबारा से कहा, अरे बेटा ओम, जब ओम के कानों में आवाज पहुंची तो ओम ने कहा हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख पहले नबो। शिष्य कहता है, गुरुजी मैं क्यों नबू? गुरुजी ने कहा कि बेटा पहले नबो और नब करके भगवते भागना आरंभ कर दो। शिष्य फिर भी पूछता है कि गुरुजी मैं क्यों नबू और क्यों नब करके भागना आरंभ कर दो? गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख बांस देवाए, जो खेत का मालिक जो किसान है वो अपने हाथ में मोटा बांस का डंडा लेकर के आ रहा है, क्या उसने तुम्हारे सर पर डंडा पटक दिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब संतों ने इसका अर्थ लगाया, ओम बताया है आत्मा के लिए, जो ये आत्मा है इसे ओम का रूप दिया, और जो मीठा गन्ना है वो माया है जिसके पीछे हम 24 घंटे लगे रहते, ना दिन देखते ना रात देखते ना बुरा देखते ना भला देखते, केवल माया के पीछे लगे रहते हैं। और जो किसान है जिसके हाथ में मोटा डंडा वो है काल। काल कब किसके सर पर डंडा मार दे पता नहीं चलता। मैं अभी आपको कथा सुना रहा हूँ, एक खड़ के बाद आपको कथा सुनाऊ इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये हम भगवान का भजन केवल इस मनुष्य देही से कर सकते हैं और किसी जोनी से हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसी ने देखा है, भजन कर मस्त जवानी मेरे बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी मेरे बुढ़ापा किसने देखा है।
भजन देना है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देना है। हो भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देना है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देना है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे हो पारा। कलयुग में भगवान नाम कीर्तन से भगवान की प्राप्ति होती है। तो कथा में कीर्तन का होना बहुत जरूरी है। अब पंडित जी का रोज का नेम कथा में कीर्तन बुलवाते, लेकिन कीर्तन जो बुलवाते वो एक ही कीर्तन पंडित जी को याद था। कंस निकंदन काली अमर्दन देवकी नंदन तुम शरणम। अब पंडित जी रोज उसी कीर्तन को बोलते थे, कंस निकंदन काली अमर्दन देवकी नंदन तुम शरणम। अब एक मैया बैठी हुई थी, उनकी बेटी का नाम था, उनके पति का नाम था देवकी। अब मैया कहने लगी कि ये बाबा ये पंडित जी तो नहीं सुधरेंगे, रोज एक ही कीर्तन बोलते हैं, अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। अरे कंस निकंदन काली अमर्दन देवकी नंदन तब शरणम। कंस निकंदन काली अमर्दन देवकी नंदन तब शरणम। अरे कंस निकंदन काली अमर्दन देवकी नंदन तुम शरणम तब शरणम तब शरणम। अब पंडित जी रोज कथा में कीर्तन बोलते थे, तो मैया के मन में भी भाव आया कि मुझको भी कीर्तन बोलना है, ये पंडित जी तो नहीं सुधरेंगे, मुझे ही कुछ करना चाहिए। जब पंडित जी ने बोला कंस निकंदन तो मैया ने भी बोला कंस निकंदन। पंडित जी ने बोला कालिया मर्दन तो मैया ने भी बोला कालिया मर्दन। और जब पंडित जी ने बोला देवकी नंदन तुम शरणम, वहीं पर मैया की बेटी का नाम था चंपा, तो मैया ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। कंस निकंदन कालिया मर्दन चंपा के पापा तब शरणम। ऐसी कोई बात हो भले आगे पीछे कुछ करना पड़े, लेकिन भगवान के भजन में ताली जरूर बजानी चाहिए।
तो आज द्वादश अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा कि तुम वृंदावन जाकर के जमुना में स्नान करके वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। तो ध्रुव जी महाराज वृंदावन में पहुंचे और जाकर के जमुना में स्नान किया, और पहला महीना आरंभ हुआ। तो 3 दिन के बाद कुछ फल ग्रहण करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे पहला महीना आरंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज 3-3 दिन के बाद कुछ फल ग्रहण करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। जब दूसरा महीना आरंभ हुआ तो 6-6 दिन के बाद सूखे पत्ते खा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। और जैसे तीसरा महीना आरंभ हुआ, तरह त्रांते प्राप्ते कपित दर्शनम, तो 9-9 दिन के बाद केवल जल पीते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। कभी आओगे कभी आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, जब आओगे देर ना हो जाए, कहीं देर ना जाए। दिल लूटने वाले जादूगर, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी, तुझे आना ही होगा कभी ना कभी। सुंदरता ने ये मुरलिया की, बजाना ही होगा कभी ना कभी, बजाना ही होगा कभी ना कभी, बजाना ही होगा कभी ना कभी। हे कृष्ण मेरे उलझे दिल को, सुलझाना ही होगा कभी ना कभी, सुलझाना ही होगा कभी ना कभी, सुलझाना ही होगा कभी ना कभी। तेरे प्रेम पे पागल हो गए हम, दरस देना ही होगा कभी ना कभी, दरस देना ही होगा कभी ना कभी, दरस देना ही होगा कभी ना कभी। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब चौथा महीना आरंभ हुआ तो 12-12 दिन में केवल एक बार श्वास लेते हैं और ओम नमो भगवते का जाप करते हैं। और जैसे 5वां महीना आरंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज ने अपने प्राण वायु को अपने बस में कर लिया, और जैसे ध्रुव ने अपनी प्राण वायु को अपने बस में किया, संसार की प्राण वायु रुक गई, सभी की श्वास अवरुद्ध हो गई। सभी देवता नारायण भगवान के पास पहुंचे और नारायण भगवान आज ध्रुव के दर्शन करने के लिए स्वयं चल करके आए। कभी आओगे कब आओगे कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, जब आओगे देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। और आज नारायण भगवान ध्रुव जी महाराज के पास आए और आकर के कहा कि बेटा मैं तुम्हारे तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने अपने हृदय में नारायण भगवान की बड़ी सुंदर सी झांकी को विराजमान कर रखा है। हम सब चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए, लेकिन हमारे हृदय में बड़ी गंदगी भरी हुई है। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या ये हमारे हृदय में है। आपने देखा होगा एक कुत्ता भी कहीं बैठता है ना,
तो पहले वो पृथ्वी को बैठने योग्य बनाता है, तब जाकर के बैठता है। और हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए, जहाँ पहले से बड़ी गंदगी भरी हुई है। अभी कोई हमारे दरवाजे पर हमसे मिलने के लिए आए और हमारे घर पर गंदगी को देखेगा तो वो एक क्षण में ही वापस हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए। ऊपर से शरीर को हमने बड़े बड़े शैंपू सावल साबुन क्रीम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंदर की जो गंदगी है वो भरी हुई है, उसे साफ नहीं करते। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने अपने हृदय में नारायण भगवान की बड़ी सुंदर सी झांकी को विराजमान कर रखा है। जैसे नारायण भगवान ने अपनी सुंदर सी झांकी को लुप्त किया, आज ध्रुव जी महाराज जैसे बिना जल के मछली तड़पड़ाती है, ऐसे ध्रुव जी महाराज तड़पड़ा उठे। जब नेत्रों को खोल करके देखा तो सामने भगवान की झांकी दिखाई पड़ी और ध्रुव जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर सी झांकी को निहारने लगे। भगवान ने कहा, अरे ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगो। लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ भी नहीं बोले, भगवान की तरफ देखते रहे। नारायण भगवान ने कहा कि मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, लेकिन आज तुम्हें अपने परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने का अवसर प्राप्त होगा। और ध्रुव जी महाराज को आज नारायण भगवान ने अपनी गोद में बिठाया और कहा, ध्रुव, तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो आप उसे मुझसे वरदान मांग सकते हो। लेकिन ध्रुव जी महाराज कुछ भी नहीं बोले। तो नारायण भगवान ने कहा कि पहले तुम 36,000 वर्ष तक यहाँ पर राज को भोगोगे और 36,000 वर्ष के बाद तुम काल के सर पर पैर रख कर के सीधे वैकुंठ के ले जाओगे। और भगवान ने ध्रुव से कहा कि तुम अपने महलों के लिए वापिस जाओ। अब ध्रुव जी महाराज अपने महलों में वापिस आए, अपनी छोटी माँ सुरजी के पास पहुंचे और जाकर के उनके चरणों में लेट गए। अपने पिता के पास पहुंचे, अपनी माँ के पास पहुंचे, बड़े प्रेम के साथ निवास करते हैं। ध्रुव के छोटे भाई उत्तम यक्षों के पास गए, यक्षों ने उसके उत्तम का वध किया। तो ध्रुव जी महाराज अपने हाथ में तलवार लेकर के यक्षों से युद्ध करने के लिए गए और वहीं पर हजारों यक्षों का वध किया। और वहीं पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि ध्रुव, भले ही तुमने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन अभी सत्संग नहीं किया है। बिन सत्संग विवेक ना हो। जब तक सत्संग नहीं करोगे, जो हमारा विवेक है वो उजागर नहीं हो सकता। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और ध्रुव जी महाराज ने युद्ध को बंद किया और संतों की सेवा करने के लिए चले गए। 36,000 वर्ष तक राज को भोगा, उसके बाद में काल के सर पर पैर रख कर के सीधे वैकुंठ के लिए गए। उससे आगे ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज सब कुछ त्याग करके, चक्रवर्ती राजा भरत जी महाराज हैं और अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए वन में आए। और वन में आते ही हिरण के बच्चे से मोह हुआ और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अंत गति जैसी मति, हम अंत समय में जिसको याद करते हैं और भगवान हमें उसी योनि में भेज देते हैं। जब भरत जी का अंत समय आया तो हिरण के बच्चे की याद रही और भगवान ने उन्हें हिरण की योनि में भेजा। लेकिन पशु योनि में होने के बाद भी सब कुछ ज्ञात है कि मैं पहले चक्रवर्ती राजा था और मुझे मोह हुआ, हिरण के बच्चे से मोह हुआ और उसी कारण भगवान ने मुझे इस पशु योनि में भेजा, हिरण की योनि में भेजा है। जंगल में अग्नि लगी तो वो हिरण उसी अग्नि में जल करके अपने प्राणों को त्यागा। और वही भरत जी महाराज तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ और फिर से उनका नाम भरत हो गया। भरत जी महाराज ने कहा, मैंने अपने दो जीवन बर्बाद कर लिए, तीसरा जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। पागलों की बात निवास करते हैं। परिवार वालों ने भरत जी को जड़ भरत कहकर के घर से बाहर निकाल दिया। और इन्हीं भरत जी महाराज ने रघुगढ़ को उपदेश किया। रघुगढ़ जी महाराज जो पालकी पर सवार होकर के जा रहे थे और वही एक कहार बीमार पड़ा, तो भरत जी महाराज को पालकी डोने में लगाया और वहीं पर भरत जी महाराज ने रघुगढ़ को उपदेश किया और कहा कि तुम पालकी पर सवार होकर के सत्संग करने के लिए जा रहे हो, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, संतों के पास जाओ, माया और अभिमान दोनों को छोड़ करके जाना चाहिए। आज रघुगढ़ के मन में बैराग उत्पन्न हो गया और उसी दिन से सब कुछ त्याग करके संतों की सेवा में रघुगढ़
संतों की सेवा में लग गए हैं। उससे आगे अजामल पाख्यान। अजामल भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और अजामल ने एक व्यक्ति को वैश्या गमन करते हुए देखा। वैश्या बहुत सुंदर थी तो अजामल वैश्या को लेकर के अपने घर में आया और उसी के साथ निवास करता है। जो अजामल 2400 घंटे भगवान का भजन करता था, आज वही अजामल मदरा का पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, चोरी इत्यादि करने लगा, पशु पक्षियों का वध करने लगा। कुछ संतों की मंडली आई और संत अजामल के द्वार पर पहुंचे। अजामल की पत्नी से कहा कि देवी, हम सभी संतों को भूख लगी है, आप हमें भोजन करा दो। अजामल की पत्नी कहने लगी कि मेरा पति अजामल यहाँ पर नहीं है, क्यों ना मैं संतों को भोजन कराऊं। आज अजामल की पत्नी सभी संतों को भोजन कराने लगी और उसी समय अजामल घर में प्रवेश किया। पूरा शरीर रक्त से सना हुआ है, मरे हुए पशु पक्षी कंधे पर लटके हुए हैं। संतों ने कहा, अरे देवी देखो ये कौन दुष्ट तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया। तो वहीं पर अजामल की पत्नी कहने लगी, बाबा ये मेरे पति अजामल हैं। संत कहने लगे, हमने किस दुष्ट का अन्न ग्रहण कर लिया, अब हमने इसका अन्न तो ग्रहण कर लिया है, अब इस दुष्ट का उद्धार कैसे हो। तो संतों ने कहा कि देवी आपने हमें भोजन कराया, अब तुम अपने पति को हमारे पास लेकर के आओ, वो हमें दक्षिणा देंगे। अजामिल की पत्नी कहने लगी, बाबा जो भी दक्षिणा आपको चाहिए आप मुझसे ले लो। लेकिन संत जिद पर अड़ गए कि दक्षिणा हम तुम्हारे पति के हाथों से लेंगे। अजामिल की पत्नी अपने पति अजामिल के पास पहुंची और कहा कि मैंने संतों को भोजन कराया और आप चल करके उन्हें दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा कि इनके कमंडल और लंगोटा इनका नहीं छड़ाया, कम दक्षिणा नहीं है, इनसे कहो आज चले जाएं। पत्नी ने कहा कि मैंने संतों को भोजन कराया है, आपको दक्षिणा देनी है, आप मेरे साथ चलो। जब पत्नी को नाराज होते हुए देखा तो अजामिल चुपचाप आया और संतों से कहा कि बताओ मैं तुम्हें दक्षिणा में क्या दूं। संत कहने लगे, अरे अजामिल हम आपसे कुछ लेना नहीं चाहते हैं, हम तो आपको कुछ देना चाहते हैं। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक सुंदर सी बालक का जन्म होगा। अजामिल ने कहा, पहले से 10 हैं और जो 11वां होगा वो भी बेटा होगा, तुमने मुझे क्या दिया। संत कहने लगे, भैया आप उस बालक का नाम नारायण रख लेना। अब अजामिल कहने लगा, मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे का नाम चिंटू रखूं, पप्पू रखूं, घसीटा रखूं, ये मैं सोचूंगा। लेकिन अजामिल की पत्नी ने कहा कि बाबा यदि मेरे घर बेटे का जन्म हुआ तो मैं अपने बेटे का नाम नारायण रखूंगी। और संत वहां से चले गए। कुछ समय के बाद जब बालक का जन्म हुआ तो पत्नी की जिद के कारण उस बालक का नाम नारायण हुआ और अजामिल अब बेटा नारायण आपने पानी पिया, बेटा नारायण आपने खाना खाया, बेटा नारायण आपने ये काम किया, अब तो नारायण नारायण उसके मुख पर रखा रहता है। और जब अजामिल का अंत समय आया तो अजामिल ने यम के दूतों को देखा, घबरा गया और मुख से निकला, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। और वहीं पर भगवान के पार्षद आए, यम के दूतों को भगाया और अजामिल को लेकर के वैकुंठ में पहुंचे। यमराज ने कहा, प्रभु इसने अपने पूरे जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया और आप इसे वैकुंठ में लेकर के आए। भगवान ने कहा, इसने अंत समय में मुझको याद किया, इसलिए मैं वैकुंठ में लेकर के आया हूँ, बोलना पड़ेगा। उससे आगे पहला चरित्र, जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे भाई हिरण्यक्ष का वध 12 बनकर के नारायण ने किया है, तो भगवान से द्वेष मानने लगा, भगवान से युद्ध करना चाहता है। फिर विचार किया, क्यों ना मैं ब्रह्मा की तपस्या करूँ, पहले वरदान प्राप्त करता हूँ। तो वन में तपस्या करने के लिए पहुंचा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बरम्भू बरम्भू वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो वहीं पर हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना 12 महीने में मेरी मृत्यु हो, ना किसी नर से या पशु से मृत्यु हो, और ना ब्रह्मा के बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। और ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। हिरण्यकश्यप को लगा कि अब तो मैं अमर हो गया। इधर इंद्र ने कयादु का हरण किया, क्योंकि हिरण्यकश्यप की जो पत्नी कयादु वो गर्भवती थी, और इंद्र ने सोचा जब हिरण्यकश्यप इतना बड़ा दैत्य है तो इसकी संतान कितनी बड़ी दैत्य होगी, क्यों ना इस बालक को गर्भ में ही नष्ट कर दे।
नारद जी ने कहा कि जिस बालक को तुम नष्ट करना चाहते हो ना, ये बालक भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। तो कयाधु ने नारद जी के आश्रम में सुंदर से बालक को जन्म दिया और उसी बालक का नाम प्रहलाद हुआ। और प्रहलाद जी महाराज अपने पिता के पास पहुंचे और जाकर के भगवान नाम संकीर्तन आरंभ कर दिया। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि जिस नारायण का नाम तुम अपने मुख से बोल रहे हो ना, यही नारायण मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को संडा मरकट के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा, लेकिन प्रहलाद जी को जब भी समय मिलता है वो आश्रम में बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं और भगवान का कीर्तन आरंभ कर देते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पहाड़ से नीचे गिरवाया, हाथियों के पैर गिरी दबा के मरवाना चाहा, बार बार कोशिश करता है कि प्रहलाद का वध हो जाए, लेकिन नहीं मरा। तो आज बड़ा दुखी हुआ और वहीं पर अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका ने कहा कि तुम्हारे पुत्र का काल मेरे हाथों से है। बीच चौराहे पर चिता बनवाई। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर के चिता पर बैठी। सैनिकों ने चिता में अग्नि लगाई और जब अग्नि जोर जोर से जलने लगी, वहीं पर प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नाम कीर्तन आरंभ किया। एक हवा का झोंका आया, जो शीतल चुनर होलिका ने ओढ़ रखी थी वही शीतल चुनर प्रहलाद के ऊपर आई और होलिका जलकर के मृत्यु को प्राप्त हो गई। बोलना पड़ेगा, बोलो होलिका मैया की। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, होलिका कुंवारी थी तो हम होलिका को मैया क्यों कहते हैं, पता है आपको? हम होलिका को मैया इसलिए कहते हैं कि होलिका भोले बाबा से नृत्य सीखती थी और मन ही मन भोले बाबा से प्रेम करने लगी। विवाह हुआ नहीं था उससे पहले होलिका ने अपने प्राणों को त्यागा और भोले बाबा ने होलिका को अपनी पत्नी का स्थान दिया, इसलिए हम होलिका को मैया कहकर के बुलाते हैं। और उसके बाद हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तुम्हारा परमात्मा? तो वहीं पर प्रहलाद जी कहने लगे कि हर जगह मेरे प्रभु का पास है। सूर्य अनेक फिर तड़े मांगते सूर सो स्वादे काले मजीरा बजाती फिर मीरा मत बारी सी चाहता सिया राम कथा कितनोंने लिखी हमें कथा कितनोंने लिखी तुलसी जैसी मरिया देखा नरसिंह बसे ब्रजे कंबने में पर काड़ने को पहला देखा नरसिंह बसे प्रति कंबन में पर आड़न को प्रहला देता। जब प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि इस खम्बे के अंदर मेरे भगवान हैं, तो हिरण्यकश्यप ने अपने हाथ में गधा उठाया और खम्बे पर प्रहार किया और उसी खम्बे के अंदर से नरसिंह भगवान का प्रागट हुआ। वो नरसिंह भगवान की आज नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को लेकर के बीच देहलियों में पहुंचे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप कौन हो? नरसिंह भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा काल हूँ। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि तुम मेरे काल कैसे हो सकते हो? अरे ना मैं नीचे मरूंगा ना ऊपर मरूंगा। भगवान ने कहा कि अब तू ये बता कि नीचे है या ऊपर है। हिरण्यकश्यप ने देखा तो कहने लगा ना तो मैं नीचे हूँ और ना ऊपर हूँ, तुम्हारी जंगाओं पर पड़ा हुआ हूँ। फिर भी हिरण्यकश्यप कहता है कि ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान कहने लगे अब तू ये बता कि दिन है या रात है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि संध्या का समय है, ना दिन है ना रात है। फिर भी हिरण्यकश्यप कहता है कि 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी। नरसिंह भगवान ने कहा ये अधिक मास केवल तेरे लिए बनाया है, ये 13वां महीना केवल तेरे लिए बनाया है। हिरण्यकश्यप कहता है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। नरसिंह भगवान ने कहा अरे मूर्ख, मैंने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने मुझको नहीं बनाया। फिर भी कहता कि ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। अब भगवान कहने लगे अब तू ये बता कि मैं नर हूं या पशु हूं। ऊपर से नीचे तक देखा तो कहने लगा ना तो आप नर हो ना पशु हो, आधे आधे हो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ना किसी अस्त्र और शस्त्र से मेरी मृत्यु होगी। तो
आज नरसिंह भगवान ने अपने नखार बिंदों को बढ़ाया, हिरण्यकश्यप के उदर को फाड़ा और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। और जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो वहीं पर देवताओं ने आज नरसिंह भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की, लेकिन किसी भी देवता की हिम्मत ये नहीं हुई कि भगवान के सामने जाकर के खड़ा हो जाए। लक्ष्मी माँ वैकुंठ से आई, लक्ष्मी माँ ने आरती का थाल लेकर के भगवान की आरती करने के लिए गई और जैसे ही नरसिंह भगवान ने एक जोर से हुंकार लगाई तो लक्ष्मी माँ भी डर गई, दूर जाकर के खड़ी हुई। अब देवताओं ने प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के पास भेजा और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठाया और अपने जिभ्या से चाटने लगे। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। हम भगवान को भक्त वत्सल क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा कि गाय का जो बच्चा बछड़ा होता है चाहे वो कितना भी गंदा हो, गाय उसे अपनी जीभ से चाट चाट के बड़ा पवित्र कर देती है। ऐसे ही भगवान अपने भगत को चाट चाट के बड़ा पवित्र कर देते हैं। बोलना पड़ेगा। आज प्रहलाद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। नरसिंह भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, जिसने अपने प्राण मेरी गोद में त्यागे हो उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? तुम्हारे पिता की दुर्गति नहीं होगी। बोलना पड़ेगा। उससे आगे चलते हैं हम गजेंद्र मुखी की कथा की तरफ। गजराज जिसकी सैकड़ों पत्नियां हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, जिसका परिवार बहुत बड़ा होता है ना, उसका बहुत भारी अभिमान हो जाता है कि इस दुनिया में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। ऐसे गजराज कहने लगा कि इस जंगल में सब मुझे राजा कहकर के पुकारते हैं, मैं जंगल का राजा हूं। जो छोटे छोटे पशु हैं, पक्षी हैं, वो छुप जाते हैं। और एक बार गजराज एक सरोवर के पास पहुंचे और सरोवर में जाकर के जलपान करने लगा और वहीं पर अपनी सूंड में जल लिया और जल लेकर के अपनी पत्नियों से किलोल करने लगा कि गजराज को वन में प्यास लगी तब नीर सरोवर पीवन धायो, गज ने जल में पाव दियो तब गहा ने आके पाव दबायो, गज ने जोर अटूट कियो पर गहा के जोर को पार ना पायो, शिव राम कहे गज हार गयो तब आपने आके फंद छुड़ायो। जैसे जल में जाकर के किलोल करने लगा गज तो गहा ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हमारी शादी किस महीने में हुई, किस सन में हुई, हमको ध्यान है। हमारे बेटे का जन्म कब हुआ, हमको ज्ञात है, लेकिन किसी को यह पता है कि हमारा बुढ़ापा कब आया है? पता किसी को? जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले पैरों को पकड़ता है। जब घोटुओं में दर्द होना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि बुढ़ापे की तैयारी हो गई। भगवान पहली घंटी बजाते हैं, घुटनों में दर्द करना आरंभ कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि अब तो तू मेरा भजन कर ले, लेकिन जीव कहता है कि भले ही मैं नए घुटनों बदलवा दूं, लेकिन तुम्हारा भजन नहीं करूंगा। भगवान मौत की दूसरी घंटी बजाते हैं, जो सर के बाल हैं वो सफेद हो जाते हैं और जीव कहता है प्रभु बाजार में अच्छी अच्छी कलर मिलते हैं, लाल हरे पीले। देखते हो आजकल जो बच्चे हैं, किसी के हरे बाल हैं, किसी के लाल हैं, किसी के पता नहीं कैसे कैसे बालों को कर लेते हैं। जीव कहता है कि पहले से भी अच्छे बाल कलर कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा भजन नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं, तीसरी घंटी बजाते हैं कि आंखों से दिखना कम हो जाए। जीव कहता है प्रभु बाजार में अच्छे अच्छे ऑटो लेंस के चश्मा आते हैं, बढ़िया चश्मा पहन लूंगा, लेकिन तुम्हारा भजन नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कि तुमने अपने जीवन में अच्छे अच्छे पकवान खाए हैं, तेरे में 32 ही बाहर निकाल दूंगा,
फिर तो तू मेरा भजन करेगा। जीव कहता है कि बाजार में इससे भी अच्छी बत्ती सी चढ़वा लूंगा, लेकिन तुम्हारा भजन नहीं करूंगा। और गजराज जब जल से बाहर निकलने लगा तो कहने गज को अंदर जल की तरफ खींचा। सभी पत्नियां जल से बाहर आईं, बच्चे भी बाहर आए, लेकिन गजराज अंदर जल में धंसने लगे। तो गजराज ने कहा, मुझे लगता है कि जल का जो जीव है गहा, उसने मेरे पैर को पकड़ रखा है। अब सैकड़ों पत्नी बच्चे सूंड से सूंड लगा करके गजराज को बाहर खींचना चाहते हैं, लेकिन नहीं खींच पाए। तो एक एक करके सभी ने अपने मुंह को फेर लिया। हमें बड़ा अभिमान होता है कि हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन कोई भी किसी का साथ नहीं देता। बोलना पड़ेगा राधे राधे। जब कोई भी सहारा दिखाई नहीं पड़ा तो आज गजराज ने मेरे प्रभु को याद किया, सत्य की वंदना की कि जो सत्य भगवान है वो आकर के मेरी रक्षा करें। और सत्य तो मेरे प्रभु नारायण है। नारायण भगवान नंगे ही पैर गज की रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े। बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बीच में गरुड़ को भी अभिमान आ गया। नारायण भगवान कहने लगे कि मुझे गहा का उद्धार तो बाद में करना है, लेकिन इस गरुड़ का अभिमान पहले दूर करना पड़ेगा। गरुड़ को लगा कि जब भी भगवान को कहीं पर जल्दी जाना होता है तो मेरे ऊपर बैठ जाते हैं और जल्दी अपना कार्य सिद्ध करते हैं। भगवान ने कहा कि पहले मुझे गरुड़ का जो मन का अभिमान है वो दूर करना पड़ेगा। जब गरुड़ भगवान के पास में आया तो भगवान ने अपनी उंगली को गरुड़ के ऊपर रखा और कहा, गरुड़ आज तुम मेरी उंगली को लेकर के उड़ो। गरुड़ कहने लगा, प्रभु आप बैठ तो जाओ। भगवान ने कहा, नहीं तुम्हें मेरी उंगली को लेकर के ही उड़ना है। अब गरुड़ ने अपने पंखों को फड़फड़ाना आरंभ किया, लेकिन तिल भर भी नहीं हिल सका। भगवान कहने लगे कि तुम समझते थे कि मुझे लेकर के उड़ते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें अपने पैरों में दबा करके मैं तुम्हें लेकर के उड़ता हूँ। गरुड़ का अभिमान दूर हुआ और गजराज के पास पहुंचे। और गजराज ने जब भगवान को देखा तो सरोवर से फूल लिया और भगवान को अर्पण किया है। और भगवान ने गजराज की सूंड को पकड़ा, गज को बाहर निकाला और साथ में गहा भी जल से बाहर आ गया। और नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से गहा का उद्धार कर दिया। अब गजराज कहने लगा कि प्रभु मैंने आपको पुकारा, अब आप ये बताओ कि आपने मेरा उद्धार किया या गहा का उद्धार किया। भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त थे जो मुझे पुकार रहे थे, और ये तुम्हारा भक्त था जो हजारों वर्ष से तुम्हारे पैरों को पकड़े हुए बैठा था, तो मैं अपने भक्त से पहले उसके भक्त का उद्धार करता हूँ। बोलना पड़ेगा राधे राधे। प्रहलाद जी महाराज के पौत्र हुए राजा बलि। एक सूचना है कल के लिए। कल यहाँ पर सूर्यवंश की कथाओं में बड़ी सुंदर कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी, और सूर्यवंश की कथा में भगवान श्री राम का अवतार होगा। तो कश्यप अति ने महातप किया और उन्हीं के यहाँ पर वामन भगवान का अवतार हुआ, और वामन भगवान का अवतार भादव के महीने में हुआ था। राधा रानी का जन्म भादव के महीने में हुआ, बलराम जी का जन्म भी भादव के महीने में हुआ, और वामन भगवान का जन्म भी भादों के महीने में हुआ था। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और वामन भगवान का जब अवतार हुआ है तो अदिति माँ ने वामन भगवान को भिक्षा में 4 अंगुल की कौपीन का दान दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल का दान दिया, बृहस्पति ने जनेऊ का दान दिया, सरस्वती माँ ने रुद्रों की माला का दान दिया, और दिशाओं ने छाता का दान दिया है। और भिक्षा को लेकर के वामन भगवान अपनी माँ अदिति के पास पहुंचे तो अदिति माँ कहने लगी कि बेटा जो भिक्षा आप लेकर के आए हो ना, ये भिक्षा बहुत कम है, अभी आपको और भिक्षा लेकर के आनी पड़ेगी। वामन भगवान छोटे से हैं, बौना बनकर के वामन भगवान आए। एक हाथ में छाता है, एक हाथ में कमंडल, पैरों में खड़ाऊ पहन रखे हैं। बड़ी सुंदर सी झांकी आप सभी के मध्य में आ रही है। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो,
ओ मेरे प्रीतम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम तुम हमारे थे प्रभु
हंस कर कह दे तू मेरा मैं तेरा। आपके मध्य से बामन भगवान आएंगे, तो थोड़ा सा रास्ता बामन भगवान को दे, थोड़ा रास्ता दे दे उनको आने के लिए। बामन भगवान, बामन अंगुल के बामन भगवान है, बोना रूप लेकर के बामन भगवान आए। बड़ी सुंदर झांकी आप सभी के मध्य में आ रही है। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे
झोली का दे धरी गले वाला पड़ी, झोली का दे धरी गले वाला पड़ी, झोली का दे धरी गले वाला पड़ी, झोली का दे धरी गले वाला पड़ी। बामन का भेष बनाए राजा बलि के द्वारे आए। बामन भगवान की जो हमारे परीक्षित जी हैं, वो अपने जोड़े के साथ में बामन भगवान का पूजन करने के लिए आए। मेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे झोली। उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोले उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दरे, जगत का पालन जगत का पालन हारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, कोई जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान अमर कर ले रे, तू अपना भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। लुटा देर सर्वस अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा जग से तेरा जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। मिट जाएगा पल में तेरे जन्म मरण का फेरा रे, कोई जन्म मरण का फेरा। युग युग तेरी रहेगी शान अमर कर ले रे, तू अपना भगत भर दे रे झोली, भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले रे झोली। मेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत
तेरे द्वार खड़ा भगवान। हरि की बाल कृष्ण जी की जय, अपना जन्म सफल कर लीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे। हरि की बाल कृष्ण जी की जय, जन्म सफल कर लीजे, श्री राधा पर सुगढ़ कन्हैया, रज जन को नवनीत भैया, देखती मन नेत चुरैया, जन्म सफल कर लीजे। तो तर बोलन मधुर सुहावे, सखन संग के नत सुख पावे, सोई सुकृत जो इन पूजावे, अपना कर लीजे, अपना जन्म सफल कर लीजे, हर दीवान कृष्ण जी की कीजे, कर्पूर गौरम करलावतारम, संसार सारम मुरलीधारम, सदा वचन तम हृदय बिंद नव भवानी सदम नम, स्वमिव माता जपता स्वमी, स्वमिव बल दो जगा स्वमी, स्वमिव विद्या द्रवणम स्वमी, स्वमिव सर्वम मम देवदेव, स्वमिव सर्वम मम देवदेव, स्वमिव सर्वम मम देवदेवा।